कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यूपी की रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली को चुना है, लेकिन क्या अमेठी छोड़ना राहुल गांधी को भारी पड़ेगा? इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सुनिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा है और सोनिया गांधी के लिए भाषा की मर्यादा भी लांघ दी है। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है, वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। रायबरेली और अमेठी में नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी और आज सुबह ही कांग्रेस ने राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ये पहली बार है जब राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में होंगे। रायबरेली सीट पर बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। रायबरेली सीट पर साल 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी लगातार सांसद रही हैं। इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। सोनिया गांधी अब राज्यसभा सांसद हैं। आज वो अपने बेटे राहुल गांधी के साथ उनके नामांकन में शामिल होने रायबरेली पहुंची थी, लेकिन क्या राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना सही फैसला है? सियासत में परसेप्शन का बड़ा रोल होता है। जब आपको दुश्मन को हराना होता है तो आप परसेप्शन बनाते हैं, यानी कि छवि गढ़ते हैं, लोगों में ये भरोसा जिताते हैं कि हम जीत रहे हैं और जीतता हुआ दिखने के लिए आपको बड़ी चुनौती को स्वीकार करना होता है। लोग कयास लगा रहे थे कि केरल की वायनाड सीट पर मतदान हो चुका है और अब राहुल गांधी दूसरी सीट के तौर पर अमेठी को ही चुनेंगे और बीजेपी की स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने आसान रास्ता चुना और वो रायबरेली पहुंच गए, लेकिन अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते तो यूपी समेत पूरे देश में बड़ा संदेश जाता कि देखो राहुल गांधी बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहे हैं और पिछले चुनाव में हार के बावजूद वो फिर से अमेठी पहुंच गए। कांग्रेस के पास ये अच्छा मौका था कि वो जनता को ये संदेश दे पाती कि कांग्रेस जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी, उन्होंने ये मौका गंवा दिया। कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है जो स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी अमेठी में होते तो चुनाव और भी दिलचस्प हो जाता और देश भर में इस पर गंभीर चर्चा भी होती, लेकिन कांग्रेस ऐसा परसेप्शन बना पाने में फिर से पिछड़ गई और कांग्रेस ने आसान रास्ता चुनते हुए राहुल गांधी को रायबरेली भेज दिया। राहुल गांधी अमेठी सीट पर साल 2004 में सांसद चुने गए थे, इसके बाद वो इस सीट से लगातार सांसद चुने जाते रहे थे, लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इस सीट पर हरा दिया था। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे और वहीं से जीतकर वो लोकसभा में पहुंचे थे। राहुल गांधी इस बार भी वायनाड सीट से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर यानी वायनाड पर वोट डाले जा चुके हैं। 1999 के बाद ये पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। साल 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट से ही राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद साल 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़कर जीती थी। इसी साल यानी 2004 में राहुल गांधी अमेठी सीट पर सांसद चुने गए थे और तब से लेकर 2019 तक वो अमेठी से ही सांसद बनते रहे।
अमेठी और रायबरेली सीट को गांधी परिवार की सीट माना जाता है, उनका गढ़ माना जाता है। फिरोज गांधी 1952 और 1957 में इस सीट से सांसद चुने गए थे। इंदिरा गांधी 1967 में रायबरेली से लड़कर लोकसभा पहुंची थी। रायबरेली सीट पर इंदिरा गांधी 1971 में भी जीती थी, हालांकि इमरजेंसी के बाद 1977 में वो इस सीट से हार गई थी। अमेठी से गांधी परिवार की सियासी शुरुआत 1980 से हुई थी, तब संजय गांधी सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी 1981 में इसी सीट से संसद पहुंचे थे। वो अपनी मौत तक इसी सीट यानी अमेठी से सांसद चुने जाते रहे। यानी अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा और वो राजस्थान के रास्ते राज्यसभा पहुंच गई। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी को टिकट दे सकती है तो राहुल को अमेठी से उतारा जा सकता है, लेकिन ये साफ हो गया कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका था कि वो यूपी की 2 सीटों पर बीजेपी को हरा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सियासी जानकारों की माने तो राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने से संदेश जाएगा कि कांग्रेस नेता ने अपनी परंपरागत सीट को छोड़ दिया। ये भी कहा जाएगा कि अगर पार्टी का सबसे मजबूत दावेदार ही सिर्फ सीट की तलाश कर रहा है तो अन्य नेताओं के बीच भला क्या संदेश जाएगा, वो क्या करेंगे। भाजपा ने अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी का नाम पहले चरण में ही घोषित कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने आज नामांकन के आखिरी दिन तक नाम को लेकर सस्पेंस बनाए रखा। वहीं 26 अप्रैल को वायनाड लोकसभा सीट पर मतदान पूरा हो गया था। ऐसे में अगर किशोरीलाल शर्मा को ही अमेठी से चुनाव लड़ाना था तो उन्हें कम से कम पहले ही उनका नाम घोषित कर देना चाहिए था, ताकि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें पर्याप्त वक्त मिल जाता। रायबरेली लोकसभा सीट पर भी 26 अप्रैल के बाद राहुल के नामांकन की घोषणा हो जाती तो कार्यकर्ताओं के बीच भी बेहतर माहौल बनता, जबकि लगातार उनके अमेठी से लड़ने की चर्चा होती रही, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में भी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रही। लेकिन ऐन वक्त में नामांकन के कुछ घंटों पहले ही अमेठी छोड़कर रायबरेली जाना उल्टा भी पड़ सकता है। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था, जबकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी करीब 1,70,000 वोटों से जीती थी। अब ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी के 400 पार के नारे को कांग्रेस कहां तक समेट पाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।